नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के बहुत ही क्लासिफाइड प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मीडिया सोर्स द्वारा बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने इस प्रोजेक्ट को बना लिया है और जल्द ही इसे इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। दरअसल इंडियन नेवी के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट में एक नेवल वेसल को बनाया गया है, जिसका सीक्रेट नाम है VC-11184। VC-11184 एक ओशियन सर्वेलेंस शिप यानी OSS है, जिसे मिसाइल ट्रैकिंग शिप भी कहते हैं। इस तरह के वेसल का इस्तेमाल अभी के समय में बस तीन ही देश करते हैं, जिसमें USA, रसिया और चाइना का नाम शामिल है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस तरह के नेवल वेसल का प्रयोग इंडियन नेवी भी करेगी। इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट के हिसाब से इस नेवल वेसल की कमीशनिंग की जा चुकी है और जल्द ही इसे इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। अगर इस मिसाइल ट्रैकिंग वेसल के डेवलपमेंट को शुरुआत से देखें तो इस शिप को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इस वेसल को बनाने का टोटल कॉस्ट 725 करोड़ का है। इस वेसल को एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के अंतर्गत बनाया गया है, जिसको PMO डायरेक्ट मॉनिटर करने के साथ साथ फंड भी करती है। इंडियन नेवी के इस बेहद ही क्लासिफाइड प्रोजेक्ट पर काम 2014 से चल रहा था। इस वेसल को बंद सेट के अंदर बनाया जा रहा था। तब से आज तक इंडियन नेवी इस वेसल के ट्रायल और कमीशनिंग तक इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल क्लासिफाइड ढंग से मॉनिटर कर रही थी। इस वेसल को 2020 से ही इंडियन नेवी में शामिल करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी का सामना करना पड़ा। अब ऐसी खबर आ रही है कि इस वेसल को इस साल के मध्य तक इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा और अभी इस वेसल के नाम को बदल कर INS ध्रुव रख दिया गया है। इस शिप के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस शिप का टोटल डिस्प्लेसमेंट 15,000 टन का होने वाला है। इस शिप का लेंथ 175 मीटर का है, वहीं इसका ड्रॉट लेंथ 6 मीटर का है। ये अपने साथ नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर यानी NMRH हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकता है। क्रू कैपेसिटी की बात करें तो इस वेसल में एक समय पर 300 क्रू मेंबर्स को कैरी किया जा सकता है। इंजन की बात करें तो इस नेवल वेसल में 9000 किलोवाट का ड्यूअल इंजन दिया गया है और 3 ऑक्सिलरी जनरेटर दिए गए हैं। इस वेसल की मैक्सिमम स्पीड 21 से 22 नॉट्स के बीच में रहने वाली है। रडार की बात करें तो इसमें एल बैंड और एक्स बैंड के 2 रडार लगाए गए हैं, जो कि किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल SLBM और MIRV मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री इंट्री व्हीकल को ट्रैक कर सकता है। अगर रडार के टाइप की बात करें तो एल बैंड के लिए मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक तरह का AESA रडार है जिसे इसरो ने ही बनाया है। यह रडार मिसाइल्स के ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करके मिसाइल के डायरेक्शन और टारगेट को प्रिडिक्ट करता है। वहीं एल बैंड का रडार का रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर तक का है। वहीं एक्स बैंड के रडार की बात करें तो इसका रेंज 600 किलोमीटर तक ही है और इसका इस्तेमाल MIRV मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। इस वेसल में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जैमर्स को भी लगाया गया है। वेसल पर बहुत से एंटीनास को लगाए गए हैं, ताकि अटैक के दौरान हर तरह के प्लेटफॉर्म पर सभी को अलर्ट किया जा सके। देखा जाए तो इस वेसल के रेंज में कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है तो ये उसे आसानी से ट्रैक कर सकेगा। INS ध्रुव किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या मल्टीपल वारहेड वाले MIRV मिसाइल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। ये शिप अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो किसी भी मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने निर्धारित रेंज में। इस वेसल की मदद से मल्टीपल मिसाइल लॉन्च ट्रैकिंग के साथ साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग, ओशियन मैपिंग और रिसर्च जैसे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के समय में इसे इंडियन ओशियन रीजन में डिप्लॉय किया जा सकता है। वेसल की एक खास बात यह भी है कि ये एक साथ मल्टीपल लॉन्च को डिटेक्ट कर सकता है। इस तरह के एक और शिप को बनाया जा रहा है, जो कि इससे छोटा है और जिसमें 100 के करीब क्रू मेंबर्स को कैरी करने की क्षमता होगी। इस शिप से भी किसी भी सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट किया जा सकता है और उसमें एल बैंड के रडार की जगह एस बैंड के रडार का प्रयोग किया जा रहा है। वो शिप अभी के समय में कंप्लीशन स्टेज में है और उसे भी इस साल के अंत तक इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।